हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको 5 नेचुरल तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बालों में से कोकोनट ऑयल रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा। 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं और 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करें। उसके बाद इसे हल्के गर्म पानी से धो लें और आपका कोकोनट ऑयल जो है बालों से निकल जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए टमाटर और मुल्तानी मिट्टी। 1 टमाटर को ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बना लें और अब इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला दें। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को बालों में लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें और बाद में बाल को धो लें। इससे भी जो है आपका जितना भी एक्सेस कोकोनट ऑयल होगा हेयर में वो सारा निकल जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी और पानी। 3 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इसे बालों में लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और 15-20 मिनट बाद हल्के गर्म पानी से बाल धो लें। इससे आपका एक्सेस जो कोकोनट ऑयल आपके बालों में रह गया है वो रिमूव हो जाएगा। लेमन एसिडिक होता है, इसलिए ये बालों से ऑयल रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए 2 नींबू का जूस, 2 कप पानी और 3 टेबलस्पून हनी। नींबू के रस में पानी ऐड करें और अब इसमें हनी ऐड कर दें। मिक्सचर को अच्छे से मिला लें। अब इसे अपने बालों पर अप्लाई करें और हल्के गर्म पानी से बाल धो लें।